वेलकम टू मिशन DSSB यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, मैंने दो वीडियो पहले आपके लिए अपलोड करवा दी हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग का सेक्शन आपका रहेगा। अब ICT की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, मिशन DSSB यूट्यूब चैनल पे जो आप अभी देख रहे होंगे, ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाना होगा और वहाँ पर आपको ये दो वीडियो मिल जाएंगी, SSC चंडीगढ़ मैथ की, ठीक है, और SSC चंडीगढ़ रीजनिंग की, जो 3 घंटे पहले अपलोड करवाई थी और 49 मिनट पहले अपलोड करवाई थी। जो अभी वीडियो बन रही है वो आपकी है SSC चंडीगढ़ की, PRT की, ICT की, ठीक है। तो ICT पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, शब्द कोश में शब्दों से अभिप्राय है, मतलब डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी, तो इसका आंसर होएगा हमारा सब डायरेक्टरी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ सब डायरेक्टरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड, जो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है ना उसे हम कहते हैं होम पेज, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा होम पेज। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना वो बोल रहे हैं, विच कमांड विल यू यूज इन पावर पॉइंट इफ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग कंटेंट। तो इसका जो आंसर आएगा ना हमारा वो आएगा कलर स्कीम, फोर्थ आएगा, ठीक है। कलर स्कीम जो ऐसा होता है कि आप पावर पॉइंट में ना कोई भी ऐसे फॉन्ट का चेंज अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, कलर कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अलग अलग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं। 19 क्वेश्चन में, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, सेम ही लेटर डिफरेंट पर्सन को भेजना है तो उसे बोलते हैं मेल मर्ज, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। तो हमारे पास बिंग सर्च इंजन है, गूगल भी है और याहू भी सर्च इंजन होता है, तो हमारे पास आउटलुक जो है ना ये क्या होता है, एक मेल भेजने के लिए एक MS ऑफिस में होता है, ठीक है, मेल भेजने के लिए, तो इसे ये सर्च इंजन हमारा नहीं है, ठीक है, डी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। इन एक्सेल विच वन डिनोट ए रेंज ऑफ B3 थ्रू E8, ठीक है। तो जो एक्सेल में ना हम कैसे डिनोट करते हैं, ना तो ऐसे डिनोट करते हैं, ना ही ऐसे डिनोट करते हैं, ना ही ऐसे, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, बी है, B3, और कोलन लगाते हैं फिर E8 लगाते हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी होगा तो ऐसे रो और कोलम, मतलब ऐसे ऐसी रो होती हैं, ठीक है, ये वाली इस टाइप से, और ऐसे कोलम होते हैं, ठीक है, इस टाइप से इनको डिनोट करने के लिए हम इस टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियो बनाएं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ दो वीडियो जब मैंने बनाई तो देख तो कम से कम 500-600 लोगों ने ली, बट लाइक सिर्फ उस पर 50 आई हैं, तो लाइक में आपको कुछ जाता नहीं है, हमारे को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और वीडियो अच्छे से ला सकें, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 21-22 की ओर चलते हैं। देखिए एक जो है ना स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर नोन एज, प्रेजेंटेशन अगर स्लाइड वगैरह भी होती है ना, जैसे पावर पॉइंट में हम स्लाइड प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसके लिए जो ये बोल रहा है स्पेशल इफेक्ट जो होते हैं ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको वीडियो में भी जैसे कि जो वीडियो है वो ऐसे आ रही है, फोल्ड होके आ रही है, फोटो फोल्ड होके आ रही है, तो वो ट्रांजिशंस ही होते हैं, ऐसा ही उसमें प्रेजेंटेशन में भी होता है अगर बात करें स्लाइड्स की, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट ट्रांजिशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो बोल रहा है, विच इज द मीनिंग ऑफ .exe, .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जैसे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना अपने कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे .exe से ही लास्ट में डिनोट होते हैं, जैसे .pdf है हमारी एक एक्सटेंशन है उस फाइल की, बट .exe है ना वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। वट इज द मीनिंग ऑफ .exe, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर ये पूछता .exe क्या है, मतलब ये पूछ रखा है इन्होंने, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये कौन सी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। बात करें अगर ये बोलता ना डैश डॉट के बाद अगर क्या आता तो हम बोलते कि एक्सटेंशन फाइल, तो इसका आंसर आ जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल। 24 की ओर चलते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे दिए गए हैं लिंक, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, ऐसे चंडीगढ़ के रिगार्डिंग, तो उसमें आप लड़का हो तो लड़कों में ही आप ज्वाइन कीजिए, लड़की हो तो लड़की में ही आप ज्वाइन कीजिए, और नीचे फेसबुक का पेज भी है, वहाँ पे भी हम आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे उसके एक लिंक है जिससे आप PDF फाइल पेपर की प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ी देर में मैं अपलोड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शंस की
फॉर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में अभी भी मैंने चेक किया है तो उसकी जो है ना वो है F5। F5 से आप क्या कर सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस कुछ भी, जैसे कि हर जगह पे दाल लगा हुआ है तो हमने लगाना है ए वहाँ पे, या ऐसा लगाना है, या कुछ भी ऐसा लगाना है, दाल लिखा हुआ है हमने उस पर दाल नहीं लगाना था, कुछ और लगाना था, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे फाइंड कर लेंगे सारे दादा को और रिप्लेस कर देंगे, तो उसके लिए हमारी F5 यूज होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट टू द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पे हम अपने इंटरनेट के थ्रू हम कुछ भी डाउनलोड करते हैं, ठीक है, उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, वो ट्रांसफर ही एक जरिया है, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे अलग अलग क्या होते हैं हम प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं जिससे हम कोई भी फाइल अपनी डाउनलोड करते हैं, जैसे सॉन्ग लगा लो, वीडियोज लगा लो, फोटोज लगा लो, तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, डाउनलोडिंग। तो कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, दो जो वीडियो मैंने पहले आपको बताई हैं वो भी आप जाके देखिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। विच इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, बेसिक फंक्शन कौन सा नहीं है, स्टोरेज, बिल्कुल स्टोरेज नहीं होगा तो कैसे कंप्यूटर चलेगा, ठीक है ना, स्टोर ही नहीं होगा तो उसमें। एक्सेप्ट इनपुट, इनपुट तो लेना इसका काम ही है और प्रोसेस करना इसका काम है और आउटपुट भी देता है, तो कॉपी टेक्स्ट जो है ना इसका बेसिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, बेसिक फंक्शन यही है स्टोरेज, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर, जो लाइट पेन होता है ना और जॉयस्टिक होती है, जैसे कि उससे क्या होता है हम जो करेक्टर होते हैं ना उसे रीड करवा के कंप्यूटर में भेज सकते हैं, ठीक है। और जॉयस्टिक होती है जिससे कि जैसे गेमिंग वगैरह आपने कभी खेली होगी तो वो आप पकड़ते होंगे उसको, जैसे माउस टाइप की होती है हाथ में पकड़ के, तो उसे आप गेम वगैरह खेलते हैं, तो वो क्या करती हैं सारा का सारा इनपुट का कार्य करती हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो हमारी बेसिक्स जो है बिल्कुल कंप्यूटर लैंग्वेज है, कोबोल भी हमारी है, सी भी हमारी है, ठीक है, सी प्लस प्लस भी है, सी शार्प भी है, तो अलग अलग ये जैसे फोर्ट्रान है, अलग अलग सी हमारे पास लैंग्वेज होती है, मैंने एक PDF फाइल आपको प्रोवाइड करवाई थी ICT के रिगार्डिंग, तो ICT के जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं ना सारे के सारे उसी में से आए हुए हैं, ठीक है, मतलब थोड़े मोटे चेंज है, ऐसी बात नहीं है, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन ही आए हुए हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं जो बिल्कुल HD सेम आए हुए हैं, तो इसमें जो MS Excel है ना वो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये एक पैकेज में आता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, विच ईमेल एड्रेस इज इन करेक्ट फॉर्मेट, तो आपको पता है आप जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस होगा, जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें ईमेल एड्रेस मांगा जाता है, जैसे मेरा नाम जैसे आशु है, ठीक है, आशु मेहता @gmail.com इस टाइप से होता है, तो हमारा @ जो आता है ना वो बीच में आता है, तो इसमें तो इसमें लगा हुआ है डॉलर, तो ये तो हो गया गलत, इसमें लगा हुआ है direct@yahoo.com, ये भी डोमेन नेम तो इसका सही है बट इसका जो स्टार्टिंग का जो नेम है ना वो गायब है, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे देखिए ये पहले ही आ गया, www बाद में आ गया, तो वैसे ही वेबसाइट का एड्रेस तो होता ही है, वैसे भी गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो हो जाता है सही, dinesh@gmail.com, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, 30 क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, वट www मीन्स इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में www को हम क्या कहेंगे, तो www को हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ, और भी सेक्शन जो है मैं जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, दो वीडियो पहले आ चुकी हैं, ये ICT की 3 नंबर की वीडियो है, तो 15 15 15 45 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए, और जल्दी से जल्दी सोल्यूशन करवाने की जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। एक फ्रेंड्स हमने एक ना ओपन किया है एक स्टोर, जहाँ पे क्या होता है कि आप अपने लास्ट ईयर पेपर्स और PDF वगैरह यहाँ से जाके डायरेक्ट ले सकते हैं, आपको किसी वेबसाइट पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ आइए, देखिए जैसे पंजाब हाई कोर्ट का हरियाणा का भी पेपर है तो वो मैंने अपलोड करवा दिया, यहाँ पे फुल्ली सोल्ड भी ये शो नहीं हो रही फोटो, ठीक है, इंटरनेट की स्लो होने की वजह से, तो ये हो जाएगी आपको, और PTET के सारे पेपर हैं, पंजाब का भी पेपर आने वाला है, तो मैंने सारे पेपर आपके लिए विद सॉल्यूशन अपलोड करवा दिए हैं। बात करें SSC चंडीगढ़ की, ये वाली जो बुक मैंने बताई थी आपको, आपने डाउनलोड भी की होगी, ये भी काफ़ी लोगों ने डाउनलोड की थी, तो काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, और PDF फाइल के माध्यम से हम मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करवाए थे हमने, तो और भी नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं हम PDF फाइल आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे,
तो आप विजिट कीजिए इसको भी, और करंट अफेयर वगैरह भी यहाँ पे हम अपलोड करवाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में, तो यहाँ ज़रूर आइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस स्टोर का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।